आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला, पुणे, मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंग्जाइटी के बारे में, चिंता के बारे में, चिंता रोग, चिंता की समस्या। ऐसे अनेक स्टडीज है, उसमें ऐसा पाया गया है कि 10 से 15% लोगों को चिंता सताई जाती है, चिंता की बीमारी है, चिंता की समस्या है, उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चिंता जो है, मतलब सोचना, ज़्यादा विचार करना, बहुत ज़्यादा सोचना, तो वो आदमी को जलाती रहती है अंदर से। चिता जो है ना, वो मरे हुए आदमी को जलाती है, और चिंता जो है वो जीवित आदमी को जलाती है। इतना चिंता का बुरा इफेक्ट है। ये चिंता जो है, ये चिंता बिना कारण रहती है। वो आदमी के लिए बहुत अच्छा कारण है, वो आदमी रहता कि कारण है, मगर ऐसा कुछ ज़्यादा कारण रहता नहीं है। अब ये कारण कौन सा है? ये जो जिनको चिंता की बीमारी है, उनको क्या लगता है कि भाई ये घर पे मेरा पति बाहर गया, वो आएंगा कि नहीं आएंगा, मतलब हरदम उनको नकारात्मक ही रहता है ना, और चिंता रहती है। वो नहीं आएगा तो अच्छा, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा तो अच्छा, मेरा बच्चा कुछ हो जाएगा बाहर गया है तो अच्छा, मैं अभी ट्रेन पकड़ने वाला हूँ, ट्रेन पकड़ सकूँगा नहीं पकड़ सकूँगा, क्या होगा, अभी एग्ज़ाम है तो कैसा होगा, एग्ज़ाम के लिए चिंता, घबराहट। इनके लक्षण क्या होते हैं? हमको बाहर से कैसा दिखता है व्यक्ति है कि बहुत घबराया हुआ है, बहुत फिक्र है, चिंता है, उसका चेहरा बहुत टेंस लगता है, उसके हाथ जो है तो ऐसे शिवर करते हैं, ट्रेमर्स रहते हैं हाथों में, शिवरिंग रहता है, ट्रेमर्स रहते हैं, उसको बेचैनी रहती है, ऐसा बेचैन रहेगा इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा मतलब उसको एक जगह पर बैठेगा भी नहीं है, बहुत घबराहट रहती है उसको, ऐसा लगता है कि बहुत अंदर से घबराहट हो रही है, वो अस्वस्थ रहता है, रेस्टलेसनेस रहता है, इधर से उधर करेगा, घबराहट रहेंगी, बेचैनी रहेंगी, नर्वसनेस, और फिर पसीना आता है, बहुत ज़्यादा उसको पसीना आता है, और हृदय में, सीने में धड़ 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 इतनी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं पाल्पिटेशन या टैकीकार्डिया, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सब सिंपथेटिक एक्टिविटी जो है ब्रेन की, उसकी वजह से होता है। ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन में जो हमारा थॉट प्रोसेस जो है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो हिस्सा है सामने वाला, यहाँ थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो थॉट्स जो है, वो थॉट्स जाते हैं लिम्बिक सिस्टम की तरफ, अंदर लिम्बिक सिस्टम है, वहाँ जाते हैं, वहाँ भावनाएं तैयार होती है, और वहाँ से फिर ये बॉडीली सिम्टम आते हैं। तो हाथ पैर कांपना, फिर कुछ लोगों को लेटरिन को लग जाती है, वो जल्दी उनको लेटरिन के लिए दौड़ना पड़ता है, घबराहट हो गई तो, कुछ लोगों को यूरिन को लग जाती है भाई, चिंता हो गई तो, चिंता से उनको नींद नहीं आती, नींद उकड़ी उकड़ी लगती है, लोग रात रात भर लोग आँखें खोल के बैठे हुए, या सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, उनका काम में मन नहीं लगता, काम नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, और कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, लक्ष्य एकाग्र नहीं हो रहा है, तो अर्थात काम बराबर होता नहीं है, प्रोडक्टिविटी होती नहीं, फिर बाकी लोग बोलते हैं, उनका बॉस या बाकी सहकारी लोग बोले, अरे क्या तू काम नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, लगता ही नहीं ना उनका लक्ष्य कि एकाग्र करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो फिर वो चिल्लाते हैं कि तुम काम नहीं कर रहे हैं, उसको चिंता लगी रहती है, और फिर छोटी छोटी बात के ऊपर है, क्या मुझे बॉस बुलाया तो क्या होगा, बॉस ने बुला लिया मुझे, उसने फ़ोन किया तो काय का फ़ोन है, मतलब कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि फ़ोन आया, रिंग बज गई, तो वो उनको धड़कन शुरू हो जाए, अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या हो गया है, और वो बहुत उनको टेंशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, और वो फ़ोन भी उठाते हैं तो उनको बहुत परेशानी हो जाती है कि अभी किसका फ़ोन है, उनको लगता है कि हर फ़ोन जो आ रहा है वो अभी कुछ तो भी तकलीफ या मुसीबत लेके आ रहा है, ट्रेन में जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम है, बाजार में जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम, उनको लगता है कि कुछ तो भी विपरीत हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, मैं उसको कोप अप नहीं कर सकूंगा, मेरे से वो होगा नहीं, उनको एकदम लो कॉन्फिडेंस रहता है, एकदम कम आत्मविश्वास, बहुत ही कम आत्मविश्वास है, भुलक्कड़पना है, बार बार भूल जाते हैं क्योंकि लक्ष्य नहीं है, आत्मविश्वास कम है, स्व प्रतिमा जो है बहुत मलिन है, सेल्फ इमेज कि मैं बहुत कमीना हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं तो कुछ लायक ही नहीं हूँ, नालायक आदमी हूँ मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे से कुछ होगा नहीं, मतलब कंपैरिजन करेगा लोगों से, कंपैरिजन करके अपने आप को बहुत कम समझता है, गुस्सा है लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, चिढ़ जाते हैं, और चिढ़ के फिर बात करेंगे, लोगों को नाराज करेंगे, उनका कम्युनिकेशन ठीक रहता नहीं है, बहुत ज़ोर ज़ोर से कभी बात करेंगे, कभी ये लोग बहुत ही विड्रॉ हो जाएंगे और घर में बैठे रहेंगे, तो ऐसी ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है पूरा, हर बात में नकारात्मक विचार, हर बात में सोच चिंता कि भविष्य में ठीक नहीं होगा, मतलब जो आदमी भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता नहीं कि ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो उसको चिंता सताती है। जब पास के बारे में जब होता है कि पास में ऐसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, क्या होता है, डिप्रेशन आता है, तो पास में डिप्रेशन है, फ्यूचर के लिए चिंता हरदम लगी रहती है,
और बहुत बार ऐसा होता है कि पास के जो इवेंट है वो हमने सामने लाके रखे हुए फ्यूचर में, और वो देख देख के फिर चिंता लगी रहती है। पहले एक बार फेल हो गए तो अभी फेल हो जाएंगे फ्यूचर में, पहले इंटरव्यू में फेल हो गए तो अभी इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, उनको लगता है पहले फेल हो गए तो अभी धड़कन हो जाती है, सारा टीवी चालू हो गया तो कैसा अभी होगा क्या होगा पता नहीं, अच्छा नल गए तो नल कब आएंगे, फ्रिज खराब हो गया तो फ्रिज कैसा खराब हुआ अभी कैसा दुरुस्त करा, एसी खराब हो गया तो अभी क्या हो जाएगा, अभी लाइन नहीं है तो अभी क्या होंगे, हर बात के ऊपर चिंता है, हर बात के ऊपर उनको घबराहट है, बेचैनी है, और छोटी छोटी बात के ऊपर वो लोगों को फिर बाद में लोगों को सताएंगे, वो अब कैसा होगा अब क्या होगा अब क्या होगा, कभी भी वो शांत रहते नहीं। तो ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, और ये बहुत बार डिप्रेशन के साथ में रहती है, बहुत बार कुछ कुछ लोगों को इसमें से फोबिया होता है, फोबिया, या कुछ लोगों को पैनिक अटैक आता है। और पैनिक अटैक मतलब क्या है, पैनिक अटैक मतलब सडनली ऐसा अटैक आ जाना, एकदम बहुत जबरदस्त अटैक, इतना ज़्यादा अटैक आ जाता है, और वो अटैक मतलब क्या होता है, इतनी वो घबराहट हो जाती है, इतनी तेज धड़कन हो जाती है, उनको लगता है कि अभी मेरे को अटैक आ जाएगा मैं मर जाऊंगा, और वो जहां होगा वहां से भागेगा, घर वापस आएगा या हॉस्पिटल की तरफ जाएगा, दौड़ेगा, क्योंकि लगता है कि अभी मैं मर जाऊँ, बेचैनी है, कैसा भी करके वहां से भागने की वो कोशिश करेगा और वो वहां रुक नहीं सकेगा, इतना जबरदस्त पैनिक अटैक उसको आता है। तो ये कुछ लोगों को पैनिक अटैक भी आ सकता है, कुछ लोगों को फोबिया होता है या एंग्जाइटी वालों को, और फोबिया मतलब ऐसा है कि उनको डर लगता है, हर बात का डर लगता है, मेरे पास में कितने सारे लोग आते हैं तो उनको डर लगता है कि भाई मैं बाहर जाऊं तो कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा, तो बाहर ही जाते नहीं, घर में बैठे रहते हैं, बाजार में जाएंगे नहीं, मॉल में जाएंगे नहीं, उनको मॉल का, कुछ लोगों को मॉल का डर है, तो कुछ लोगों को हवाई जहाज को बैठने का डर है कि हवाई जहाज में बैठूं कुछ हो गया तो जाते नहीं हो, बड़े बड़े पोजीशन में लोग रहते हैं उनको हवाई जहाज से सफर करना बहुत अनिवार्य होता है, और तभी भी वो हवाई जहाज से जाना टाल देंगे, बोलेंगे मैं जाता नहीं। कुछ लोगों को बंद खोली जो है, और कोई भी बंद दरवाजे होंगे, मतलब कहीं भी बंद होगा एटमॉस्फेयर, उसका डर लगता है, कभी अकेले रहेंगे नहीं, दरवाजा अंदर से बंद नहीं करेंगे, लेटरिन में भी जाएंगे तो बंद नहीं करेंगे, हवाई जहाज में बिल्कुल छोड़ो क्योंकि तो बंद है पूरा, बस में जाएंगे तो वही है, कार में जाएंगे तो बंद नहीं होना, मतलब करना क्या, लोगों को तकलीफ होती है कि इनके साथ में रहना कैसा, उनको हाइट का, ऊंचाई का फोबिया रहता है, कुछ लोगों को सोशल फोबिया होता है, सोशल एंग्जाइटी फोबिया, मतलब वो लोगों के साथ में जाके रह सकते नहीं है, रिसेप्शन में जाएंगे नहीं, शादी में जाएंगे नहीं, जहाँ जहाँ पब्लिक है वहाँ जाएंगे नहीं, उनको एक तरीका वो डर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ तो भी कर लेंगे, ऐसा उनको डर हमेशा लगे रहता है। तो कुछ लोगों को फोबिया है, बंद खुली का डर है, अंधेरे का डर है, कुछ पालतू जानवर का, मतलब पालतू जानवर भी उसका डर है, कुत्ता है, बिल्ली है ना, तो उनका डर है कुछ लोगों को, तो ऐसे बहुत सारे डर उनको लगे रहते हैं, और उनका जीवन जो है वो बहुत हॉरिबल हो जाता है इसके कारण, उनका कंसंट्रेशन नहीं होता, अटेंशन नहीं रहता, ख्याल नहीं रहता है, नींद नहीं है, खाना पीना ठीक नहीं है, काम नहीं कर सकते, घर के लोग परेशान हैं, ऐसा सब उनको प्रॉब्लम आता है। तो ये शारीरिक लक्षण जो है वो एक उसका आस्पेक्ट है, जैसा डिप्रेशन में भी है, शारीरिक लक्षण एक आस्पेक्ट है और मानसिक एक आस्पेक्ट है, मतलब दिमाग में कुछ तो भी तो हो रहा है, उसके वजह शरीर में हो रहा है। दवाई से क्या होता है, दवाई से शारीरिक लक्षण जो है वो एकदम ठीक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तकलीफ जो है वो कम हो जाती है, और मानसिक लक्षण ठीक करने के लिए फिर अलग अलग उपचार पद्धति है। तो ये दोनों भी उपचार पद्धति का जिक्र मैं अलग वीडियो में करने वाला हूँ, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।